स्किज़ोफ्रेनिया नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कभी नॉर्मल लोग जो है ना, मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी एबनॉर्मलिटी उनमें है क्या, और वैसा वो बर्ताव करते हैं, मगर असल में वैसा होता नहीं है, नॉर्मल है। वो भी लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी होती है, तो फिर उनका बिहेवियर कुछ तो भी एबनॉर्मल दिखता है। कभी कभी वो डरावने या फेयरफुल हो जाते हैं, उसके वजह से उनका बिहेवियर स्किज़ोफ्रेनिया जैसा होता है। या कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन है, मालूम नहीं कैसा हो रहा, क्या हो रहा, तो क्लैरिटी ऑफ थाट नहीं है। कभी कभी उनके विचार जो है वो ऐसे टूट टूट के आ सकते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के सामने या ग्रुप के सामने वो ऐसा डिसोरिएंट हो जाएंगे, या कुछ तो भी ऐसे हाव भाव करेंगे कि अपने को लगता है कि क्या हो गया इसको, मगर वो नॉर्मली हो सकता है, वो नॉर्मल लोगों में हो सकता है। और कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया जिनको है, वो लोग कभी कभी एकदम नॉर्मल रह सकते हैं, मतलब वो हेल्यूसिनेशंस उनको है, भ्रम है, या उनको थॉट प्रॉब्लम है, डेल्यूजन्स है, विचारों का भ्रम है, और तभी भी वो एकदम नॉर्मल है। और आपको बातों आप करेंगे ना, बात घंटों घंटे बात करेंगे तो आपको लगेगा ना इनको कोई प्रॉब्लम है क्या, और उनको कुछ तो भी वहाँ टोच दिया हेल्यूसिनेशन के ऊपर या डिल्यूजन के ऊपर, उनको मतलब जो जो भ्रम हो रहे उसके ऊपर उनको थोड़ा लगा दिया, वो चालू हो जाते। अदरवाइज उनसे बातचीत अच्छी है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनको कोई बीमारी है। स्पेशली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो है, पैरानॉइड डिल्यूजन जिनको है, कि जिनको डाउट है कि अपनी पत्नी के संबंध किसके साथ में है, या अपने को कोई खाने में मिला रहा है, या कोई लोग साजिश कर रहे हैं अपने खिलाफ, तो वो लोग बाकी एकदम नॉर्मल रहते हो, मगर उनको थोड़ा सा ऐसा टच कर दिया वो एरिया के ऊपर, तो वो एकदम एबनॉर्मल दिखेंगे और एकदम भड़क जाएंगे। तो हमको ये ज़रूरी है देखना कि नॉर्मल लोग भी कभी कभी एबनॉर्मल होते हैं, और एबनॉर्मल लोग भी कभी कभी नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल वर्सेज एबनॉर्मल देखना ज़रूरी है। कभी हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन जो है, स्किज़ोफ्रेनिया वाला, वो कभी एकदम वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो पॉइंट है वीकनेस का, वो जो डेल्यूजन है या हेल्यूसिनेशन है, उसके ऊपर टोच दिया कुछ तो भी, उसके ऊपर अपन ने उसके बारे में बातचीत किया, तो एकदम वायलेंट हो जाएगा और एकदम हिंसक हो जाएगा, प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये जो मेडिकेशन उनको चालू है, तो कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिया के मेडिकेशन चालू है, दवाई चालू है, तो दवाई के ऊपर एकदम मस्त रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उनको। जैसे ही आप दवाई बंद कर देते हैं, 8-10-15 दिन के बाद में या एक महीने के बाद में फिर से उनको सब चालू हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये दवाई जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को एक साल भर तो भी कम से कम दवाई दो, उसके बाद में धीरे धीरे कम करो। कुछ लोग 3-3 साल तक दवाई रेकमेंड करते हैं, और 3 साल तक दवाई लेने के बाद में फिर धीरे धीरे कम करके दवाई बंद कर सकते हैं। ऐसा दवाई बंद करने के बाद में ऐसा कभी लगा कि नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो दवाई तुरंत शुरू करना ज़रूरी है। कुछ लोग नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, उनके ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है। वॉच इसलिए कि ये जो कभी कभी एबनॉर्मल रहते हैं, वो कब टूटेंगे मालूम नहीं, और टूटेंगे मेरा मतलब ऐसा है, कभी उनको एकदम ज़्यादा बुखार आ जाएगा, उसमें वो कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा उनको। कभी कभी उपवास समझो करते हैं, मतलब फास्ट करते हैं, उस समय उनकी लेवल शुगर की कम हो जाएंगी, और उससे वो एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे। या कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उस समय फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर करना चालू करेंगे। तो जो लोग नॉर्मल है और कभी कभी एबनॉर्मल बात करते, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है कि भाई कभी भी स्ट्रेस आ गया तो ये लोग टूट सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, एबनॉर्मल वर्सेस नॉर्मल, ताकि आप विजिलेंट रहेंगे और वो लोगों को जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो सकता है यदि वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो सभी नॉर्मल लोगों को एबनॉर्मल होने के बाद में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो यदि ऑटोमेटिकली नॉर्मल होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ प्रत्यक्ष आके इलाज कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन काउंसिलिंग कर सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, और सलाह मशवरा करके आपकी बीमारी अच्छी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।